मृत्यु और मोक्ष में क्या अंतर है, क्योंकि योग में दोनों की बात की गई है, मृत्यु क्या है मोक्ष क्या है। सामान्य व्यक्ति के लिए मृत्यु होती है, लेकिन योगी के लिए वो मोक्ष प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है, इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु कहलाती है। इच्छाओं के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वह मृत्यु कहलाती है, और प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह मोक्ष कहलाता है। प्राणों के रहते यदि इच्छाएं चली जाएं तो वह मोक्ष कहलाता है, यानी डिजायर्स को खत्म करते हुए तब हमारे प्राण जाते हैं, उसे ही सच्चा मोक्ष कहते हैं।